गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए व्लॉग में फिर स्वागत है। दोस्तों आप देखिए, हम गोल्डन टेम्पल आए हुए थे और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत। गोल्डन टेम्पल में जब हम माथा टेकने के बाद हम लोग काफी देर वहाँ रहे थे। वहाँ पर बहुत जगह हर कोने कोने में बैठ रहे थे, वहाँ का लंगर भी खाए, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतना खूबसूरत लगा कि वहाँ से हटने का मन भी नहीं कर रहा था। वहाँ पे इतने लोग को देख करके बहुत ही आनंद आ रहा था, और मतलब इतना चमक था ना गोल्डन टेम्पल का, इतना ज्यादा चमक था ना, और धूप ऊपर से और सोने पे सुहागा वो चीज आ रहा था, तो बहुत ही आनंद आया वहाँ पर रख। उसके बाद फिर हम लोग सुबह सुबह चले गए जलियावाला बाग। दोस्तों हम आ चुके हैं जलियावाला बाग में और पूरा घूम रहे हैं। जो आप लोग को पता था कि गोलीकांड हुआ था और सब लोग कुआं के अंदर कूद गए थे, फिर भी वहाँ गोली चलाया गया था। कौन चलाए थे गोली? होगा पाजी जनरल कमांडर ऑफिसर थे वो, जनरल ओडायर, जिसको उधम सिंह जी ने मारा था, उसका बदला लिया था उधम सिंह जी ने, और इंग्लैंड में जाकर लिया था, उसको गोली शूट किया था। वो मोटरसाइकिल पे आए थे, उसको शूट कर दिया था। अच्छा। तो क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को मगर यहाँ पे क्रांतिकारियों का सम्मेलन हो रहा था। अच्छा, तो अच्छा। अंग्रेज सरकार को भनक लगी कि यहाँ पे क्रांतिकारी साहब इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने पूरे चारों तरफ से उसको घेर लिया। तो जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के साथ उसको शूट का ऑर्डर दे दिया। अच्छा। कोई बंदे दीवार पे चढ़े, दीवार पे चढ़ा नहीं गया, तो सारे बंदे यहाँ पे कुएं में कूद गए। तो पाजी मगर बंदे मरने के बाद भी कुएं के अंदर भी गोलियां चलाई गई। अच्छा। गोलियों के निशान मैं ऊपर दीवारों पे भी आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे आप राइफल के बड़ी बोर होती है, चलो छोटी बोर है, राइफल के मगे जो बोरिंग हुई हुई है दीवारों में। अच्छा। वो आपको सारी दिखाऊंगा मैं। अच्छा, वो मार्का मारा हुआ, मार्का मारा वही हुआ दिख रहा है ना। हाँ, चलो देखते हैं। हाँ जो चलते दोस्तों, जो गोली लगा था दीवार पे वो अभी भी दागी लगा हुआ है, चलते वहीं पे। अभी यहाँ पे देखिए गोलियों के सारे निशान लगे हुए हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, काफ़ी एरिया में है। मगर ये पुरानी दीवार वैसे की वैसी है, चूना पत्थर में देखो दीवार, जिससे मेटल नहीं है, अरे चूना पत्थर की दीवार है वैसे ही। और ये किसी का घर था तो घर ऑक्यूपाई कर लिया। अच्छा। सरकार ने ताकि ये दीवार वो तोड़ ना सके, याद है ये पुरानी शहीद शहादत हुई है यहाँ पे लोगों की, पूरा सुरंग बन गया। हाँ, मगर ज़्यादा ऊपर तक भी देखोगे वहाँ ऊपर तक हुई है, जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको ऊपर से उतारा गया है। मगर अगर इस सीन को याद करते हैं ना तो सीना खोल उठता है, दिल दहल जाता है। पुराना इतिहास अगर जाके देखते हैं तो फिर सुनते हैं तो बहुत खराब लगता है। हाँ दोस्तों, ये भी एक दीवार है और इसमें तो बहुत ज्यादा गोली का निशान है। दीवार पर गिरने वाली थी तो इसको सपोर्टे दी है, ये बाद में ये पिलर देख रहे हो ना गिरने वाली, क्योंकि दीवार कच्ची हो गई, टाइम बहुत हो गया। हाँ, टाइम तो हो गया, तो उसके पीछे से भी साल से ऊपर हो गया, पीछे से भी सपोर्ट दिया, पीछे सपोर्ट भी दिया हुआ, और पानी लग के खराब ना हो उसके लिए बनाया गया है, ऊपर छत डाल दिया। हाँ, छत डाल दिया पानी लग के खराब ना हो। हेवी सुरंग का दाग दिख रहा है वहाँ पे गोली का, ये चार चार गोलियों के साथ लगी हुई। दोस्तों ये सब देख कर तो बहुत थोड़ा सा तकलीफ लगता है कि पहले के जमाना में जो लोग थे कितना चीज़ झेलते थे, कितना चीज़। आज हम लोग घूमने के लिए आए हुए यहाँ पर और बहुत सा जगह पर ये बना दिया गया उसको कि टूरिस्ट लोग आते हैं देखते हैं, लेकिन जब सोचते हैं मन से तो बहुत तकलीफ़ लगता है, पहले क्या क्या दुनिया में हुआ है। आज तो हम लोग कहीं भी जाना हुआ गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, पहले लोग पैदल जाते थे। इतना होने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है, संघर्ष बहुत किया भाई, बहुत संघर्ष हुआ था। आज हम आज़ादी में घूम रहे हैं, आज हम लोग हमारे जितने पूर्व लोग थे वो लोग हमारे देश के लिए कितना लड़ाई किए, और आज हम लोग के लिए लड़ाई किए थे, आज हम लोग आज़ाद होकर घूम रहे हैं। जी पाजी। दोस्तों ये भी देख रहे हैं आप, जलियावाला बाग के मैदान का पूरा बीचों बीच में है, तो ये उनके याद में बनाया गया है। अब कितने लोग मरे थे क्या नहीं उसमें खुद गिनती, कोई गिनती नहीं पाजी, अनगिनत लोग मरे थे। ये स्मारक है उनकी याद, स्मारक बनाया गया, याद में बनाया गया, उनको देश को अपने शहादत दी है। पथ हो विजय या हो शिकस्त, हर काल भीतर तू चला, प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परे ले चला, प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परे ले चला। हर रंग का बनकर भंग तू, हर जंग का बनकर उमंग तू, हर तंग का बनकर अंग तू, खंडन को खंडित कर चला, प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परे ले चला, प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परे ले चला। दोस्तों अभी हम लोग गोल्डन टेम्पल भी अच्छे से घूम लिए, जलियावाला बाग भी घूम लिए, और अभी हम लोग आ चुके हैं होटल पे, तो अभी तो कुछ देर आराम करेंगे क्योंकि सुबह से ही निकले हुए हैं, तो थोड़ा थक गए हम लोग भी, आराम करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर आगे जहाँ जाना है निकलेंगे उसके लिए। फिर ये देखिए ये हमारा होटल है। दोस्तों अभी हम देख सकते रूम में है, तो इसी रूम को हम लिए थे लेकिन उतना रहने का मौका नहीं मिला क्योंकि हम लोग रात में लिए, करीब लग रहा है 10-11 बजे तक लिए थे,
फिर हम लोग 2 घंटा सोए थे, फिर रात में 2 बजे यहाँ से चले गए थे। तो अभी आए, पूरा घूम लिए और अभी हम लोग प्लानिंग है कि यहाँ से बॉर्डर जाने के लिए, पाकिस्तान बॉर्डर है, कौन सा क्या नाम था उसका बॉर्डर का, बाघा बॉर्डर है, तो वहीं पर हम लोग जाने की तैयारी में है। तो अभी जाएंगे यहाँ से और थोड़ा सा खाना वाना खा लेंगे बाहर में, उसके बाद फिर निकलेंगे। चलते हैं होटल में चेकआउट कराते हैं अभी, क्योंकि होटल का काम अपना जो था वो हो गया है। तब दोस्तों निकला जाए बाघा बॉर्डर के लिए। अमृतसर तो दोस्तों घूम के बहुत अच्छा लगा और अब यहाँ से बाघा बॉर्डर, उसके बाद कुछ यहाँ का जो फेमस डिश है वो सब खा लेंगे और यहाँ से फिर सीधा निकलेंगे। तो देखिए ये रहे भाई लोग, अब निकलते हैं हम लोग। कैसा लगा पूरा घूम के? बहुत अच्छा लगा, रातों रात घूमे हैं। तो पूरा रातों रात घूमते घूमते लाइन में लगते थे, सुबह हो गया। खैर बहुत अच्छा लगा, दर्शन हुआ बाबा जी का। और ये सब चीज को तो पहले हम ऐसा कहे किसी टीवी में, वीडियो में, पिक्चर में ही देखे हैं, लेकिन आप नजदीक से जाकर देखे, बहुत अच्छा लगा हमको कि भाई हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कई चीज अभी ऐसा है जो लोग वहां तक नहीं जाते, नहीं देखते हैं, लेकिन वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए। जो हम अमृतसर आए, तो ऐसे भी अगर हम अमृतसर आकर नहीं आते यहाँ, हाँ, कितना पास में ही है, यहाँ अपना आपका बॉडी ग्रेड जहाँ, हाँ, है वहाँ से तो कम 150 किलोमीटर होगा, हाँ, 150 किलोमीटर है, और यहाँ नहीं आते तो बहुत दिक्कत होगा हमको, बाद में अफसोस लगता है। सही बात है। तो चला जाए अभी। बिल्कुल भाई। दोस्तों अभी हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं। ये गोल्डन टेंपल का पार्किंग है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, करीब 3 फ्लोर का। हम लोग को यहीं पे पार्किंग मिल गया था, लेकिन हम लोग गलती किया था कि यहाँ फ्लाई ओवर भी है, हम लोग उसको छोड़ के नीचे से आ गए थे, वो गलती था हमारा। अभी क्या है कि डायरेक्ट हम लोग फ्लाई ओवर से यहाँ से सीधा बाहर चले जाएंगे, कोई जाम नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, बस वही देखना कि हमारा गाड़ी कहाँ पे पार्क था। दोस्तों अभी हमारा गाड़ी तो मिल गया है, तो सारा सामान इसी यहाँ रख देते हैं। दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं। धन्यवाद जी। ये देखिए यहाँ पर पार्किंग सिस्टम है, थोड़ा पार्किंग लगे जाम लगा हुआ है यहाँ पर। अब क्या है कि सबका टाइम वैसे ही था, सब रात में कल ही आया था, सब अभी निकलने का लिए है, तो जाम थोड़ा लग रहा, धीरे पार्किंग खाली हुआ, कल तो रात में जगह नहीं मिल रहा था, कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए, वीकेंड हो जाता ना भाजी। हाँ, तो अभी तो खैर पूरा मिल रहा जगह। देखिए ये यहाँ पर पार्किंग लग रहा है, ज्यादा नहीं है पार्किंग, कम ही है, 30 रुपया 24 घंटे का, 24 घंटे का 30 रुपया। हाँ ठीक है, सरकारी पार्किंग है, मगर गुरुद्वारा की पार्किंग है। अच्छा, गुरुद्वारा सरकारी पार्किंग है, चलिए बहुत अच्छा है। 30 रुपया कोई खास नहीं है, जगह तो मिल जा रहा गाड़ी लगाने के लिए, इस शहर में तो कहीं गाड़ी लगाने जगह नहीं। होटल होटल वाले सब, होटल तो है लेकिन होटल का पार्किंग नहीं है, उसके लिए लोग समस्या होता है। बिल्कुल भाई। भाई कितने पैसे हो गए? 60 ही हो गए। ओके भाई, हो गया, चलिए 60 रुपया। ये ऊपर का ब्रिज, हम लोग उस समय नीचे आए थे, अभी देखिए ऊपर से जाने वाले हैं, नीचे थोड़ा जाम में फंस गए थे। ये जो अपना स्वर्ण मंदिर बना हुआ है ना, श्री हर मंदिर साहिब, दरबार साहिब, तो ये बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच, बीचों बीच में, और ये पुराने जमाने का है। हाँ जी, मगे 1900 मगे आज से 125 साल पहले का बसा हुआ शहर है, और इसको अभी जैसे अभी पार्किंग की समस्या सॉल्व करने के लिए पुल बनाया है ऊपर से। तो चलिए अब लाइन में लग गए हम लोग, देखते हैं अब यहाँ से कितना देर में निकलते हैं। दोस्तों लोग निकल चुके हैं बाघा बॉर्डर के लिए, तो रास्ते में रुके हम लोग खाने के लिए, तो यहाँ का काफी फेमस जगह है। क्या है फेमस पनीर यहाँ का? भाई ये अमृतसर में ना सेंटर में पड़ती है, हीरा पनीर वाला, हीरा पनीर वाला। हाँ, इसका जो पनीर है ना सबसे क्वालिटी का है। हाँ। ये भाई देखो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है। अच्छा अच्छा। और पाजी वर्ल्ड फेमस है बंदा। अच्छा। इतना ज्यादा, बिल्कुल छोटी सी उम्र का पाजी, 25 साल का लड़का है, और इतना अच्छा खाना बनाता है, क्या कहने की बात है। भीड़ भी तो दिख रहा है, पूरा भीड़ बहुत अच्छा लग रहा है। पाजी देखो रोड पे आ रहा है, रोड पे आ रहा है। अभी तो हम लोग शाम में तो काफी ज्यादा होगा, शाम में तो पाई यहाँ पे टोकन लगता है, तब आप बैठ सकते हो, वही जगह नहीं मिलेगा। हाँ, आप टेस्ट कीजिए एक बार, चेक कीजिए। ये भी आ गया, ये पनीर सैंडविच आ गया पाजी। दोस्तों लोग खाना हो गया है, अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब देखते हैं, अब जाम के कारण लेट होता है, इसे जाम तो नहीं मिलना चाहिए। जाम नहीं है भाजी, जाम नहीं, लाइट गई है। अच्छा, जाम नहीं मिलेगा। तो अभी कहाँ सीधा बॉर्डर? अभी भाजी पहले हम बंदूक ले ले AK-47, ताकि पाकिस्तान वाले अगर कुछ कहेंगे तो अटैक कर रहे हैं वहाँ पे बॉर्डर पे, अगर कुछ बोलेंगे। अच्छा अच्छा, जाएंगे बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर जाएंगे। चलिए ऐसे ही बहुत सब गुरुद्वारा पास हो गया, तो बहुत सब बंदूक दिख रहा था, देखे हम बच्चा लोग के लिए। इनका कुछ ख्वाहिश? इसका तो पाजी ख्वाहिश है कि बीवी का शादी हो जाए। बीवी की शादी बीवी की शादी हो जाए इसकी शादी हो जाए इसकी बीवी बन जाए वो तो मतलब फिक्स हो गया होगा मन लाए
मतलब अभी थोड़ा सा डाउट है इसको। नहीं, आज तो फिक्स हो गया। अच्छा, शादी का डेट फिक्स हो गया? आज हो गया वाला, आज तो बैठे थे। हाँ, फरवरी में होगा। फरवरी में होगा? फरवरी में। चलिए, दूसरे महीने में। चलिए ठीक है, फरवरी में शादी कीजिए। हाँ। जनवरी? अच्छा, 25 2025 में ना? 2025 में। 25 मॉडल ले। अच्छा, 25 मेरा गाड़ी जो 25 मॉडल बनने वाला है उसके लेकर के बीवी भी ला रही 25 मॉडल का। हाँ, कोई कॉल कीजिएगा। इस बार इधर रहेंगे तो जरूर आएंगे। जरूर 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 लाना है आपको। पंजाबी शादी दिखानी है आपने? पंजाबी शादी देखी? पंजाबी शादी नहीं देखे हम। सबसे पहले सिमरन की शादी। पंजाबी शादी में वो जो डांस जो होता है, बस बस वो डांस देखना होगा। दोस्तों अभी क्या किए, अभी हम लोग बहुत ज्यादा थक भी गए थे, तो अभी हम कल रात में तो हम सो ही नहीं पाए, बस आधा घंटा सोए क्योंकि एडिटिंग में भी टाइम गया और उसके बाद फिर निकलना भी था 2 बजे हम लोग को, तो अभी हमको बहुत ज्यादा नींद भी लग रहा है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सोए, और ये भाई तो सोए हैं बीच में। कितना सोए आप? 2 घंटे? मैं तो 2 घंटे रात सो गया था, आधा आधा डेढ़ घंटा आज सो गया था जी। सही बात। मतलब सब लोग, पापा भी और ये भैया भी सोए करीब 2-3 घंटे के आसपास। और चलिए अब यहाँ से हमारा आज तो फिर क्या, आप सीधा निकल जाना है वहाँ ना, गिलबोडी? हाँ, गिलबोडी जाना है, रात को जाएंगे। अच्छा अच्छा, निकल जाएंगे। तो आज रात में हम लोग वहाँ करीब 9-10 बजे के आसपास? नहीं, 8 बजे तो हम यहाँ से अमृतसर से निकलेंगे। हम पहुँचे वहाँ पे 1-1.5 बजे। 1-1.5 बजे? हाँ, 2 दिसंबर हो जाएगी वहाँ पे। आज का भी नींद खराब? आज का भी नहीं दिख रहा। कल को सोएंगे? अभी हमको बहुत थकावट लग रहा था कल। अभी तो हम अभी कॉफी वगैरह पी लिए, चलो ठीक है, थोड़ा सा आ रहा था अभी। तो ठीक है दोस्तों, आज भी थोड़ा लेट से ही पहुंचेंगे, लेकिन सोने को मिल जाएगा। तो हम लोग तो लेट से जागेंगे तो भी चलेगा, बस थोड़ा वीडियो एडिट कर लेंगे उसके बाद ही सोने को मिलेगा। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं और पार्किंग के लिए भी पर्ची कटा लिए हैं, पार्किंग में जा लगाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ 4:30 बजे का टाइम है परेड का, 4:30 से 5 तक ना। हाँ, जो असल वाली परेड है। हाँ, आधा घंटा ही देखे लगा रहे गाड़ी अंदर पार्किंग में। हाँ, वतन के आगे ना कुछ कुछ है तो बलिदान है मेरा, जिस माने सब कुछ है दिया हमें, उसको दिल से सलाम है मेरा। भारत माता का बेटा हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने वाला हूँ। भारत माता का बेटा हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने। नाम का चोला पहनूं, घूमूं मैं सारे जग में, ना मेरा कोई रंग ना पहचान मेरी तेरे रंग से, तुझ पे ना कोई आंच लगे, तू ही मेरी पहचान। दोस्तों हम लोग जैसे बागा बॉर्डर पहुंचे, वहां पर इतना भीड़ देख करके बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और वहां परेड देखे दोनों साइड का, इंडिया का भी पाकिस्तान का, दोनों का परेड देखे, बहुत ही अच्छा लगा वहां पर। और इतना खूबसूरत ऊंचा सीढ़ी से बैठ करके ऊंचाई से हम लोग देख रहे थे, बहुत ही आनंद आ रहा था। पूरा हाउस फुल हो गया था, पूरा सीट से भरा हुआ था। और इतना जो जोश के साथ में जैसे लोग चिल्ला रहे थे, और एक वहाँ सर थे वो भी अपना पेट दिखा रहे थे और काफी हरकत कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। तो वो पाकिस्तान वाली तरफ से भी कर रहे थे, इधर से इंडिया से भी कर रहे थे, उनको भी देख कर बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा कॉमेडी भी लग रहा था, हंसी भी आ रहा था हम लोग को, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे जो थे सर वो भी कुछ कॉमेडी कर रहे थे, क्रिकेट खेलना, जैसे उधर से बॉल आ रहा कैच करना, इधर से बॉल मार रहे वो लोग पकड़ना, इस टाइप का थोड़ा सा देखने में अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। और ये जो बॉर्डर था, इधर हम सुनते थे कि शायद हो सकता है कि 15 या 26 जनवरी को होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर संडे को वहाँ पे होता है। बैठे बैठे समय कैसे बीत गया ना पता ही नहीं चला एकदम, इतना लोगों के साथ में, तो बहुत ही आनंद आया वहाँ। यहाँ बागा बॉर्डर मतलब देख लिए, बहुत अच्छा था। अब हम लोग सब जा रहे, सब भीड़ भी खत्म हो गया। यहाँ पर 1 घंटा का प्रोग्राम होता है और हर रविवार को होता है, तो हमको इस चीज़ का पता नहीं था, हमको तो खैर शेडी से मालूम चला, तो हम भी आ गए देखने के लिए। तो ये भी एक मतलब इंडिया का जो कोना, ये भी मेरा पूरा हो गया, उधर तो हो ही गया था पूरा, इधर इस कोना भी हो गया।
अब चलते हैं यहाँ से निकलते हैं, पहले गाड़ी पास पहुँचना हम लोग को। दोस्तों वहाँ से फिर निकल गए हम लोग, रात करीब 12-1 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। तो दोस्तों हम लोग भी सो गए थे। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने को मिलेगा कि हमारा गाड़ी काम कितना हुआ। हम भी नहीं देखे थे, हम भी बाहर चले गए थे, तो आगे सुबह देखेंगे कितना काम हुआ। तो ठीक है दोस्तों, अब इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।